कैमरा चालू है। नमस्कार तस्वीर देखिए। हम भी ज्वाइन करना चाहते हैं पट्टा ले। कौन है ये? हम लोग के परम मित्र बिहार को बदलने चले थे। माइक नहीं रहे। हाँ, अरे सॉरी। सब वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सारा दिमाग गुल हो गया है। हाँ तो और अब भाजपा के दिग्गज नेता, गर्व की बात है हम लोग के लिए, बहुत गर्व की बात है। चालू है पहले तो फाइनली जो है अब कुछ चालू है, नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब हम लोगों का जो है आदमी सरकार में चले गए, अब सोचना है? सोचना नहीं, फाड़ देंगे। तो अब आ जाते हैं, तब यादव कैसे बोले थे, सरकार आने दीजिए हमारा, हम दिखा देंगे। अब दिखाया जाएगा। ये है असली, ये है असली। तो अब जो है अब वीडियो को औपचारिक रूप से शुरू किया जाता है। हम राकेश साहब, हमारे कुमार अभिनव जी हैं, और इधर हमारे बड़े साहब उम्मीद ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप हैं। और फाइनली ये बीजेपी में शामिल हो गए। तमाम तरह की अटकलें चल रही है, कोई कह रहा है कि एमएलसी पे डील हुआ है, कोई कह रहा है कि पैसा लेके डील किए हैं, कोई कह रहा है कि विधानसभा का टिकट लेके डील हुआ है। इन सब अटकलों के बीच, चूंकि आप भी करीबी रहे हैं, हम भी करीबी रहे हैं, कुछ ऐसी बातें भी हम लोगों को पता है जो पब्लिक को नहीं पता है। तो फाइनली अभी जो है पहली प्रतिक्रिया मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या रहेगा? मनीष कश्यप तो चाहते ही थे कि हमको भाजपा मिले, क्योंकि भाजपा ने कोई मदद नहीं किया था, इसके बाद भी भाजपा का गुणगान कर रहे थे। पर सांसदी का मिलता समझ में आता, सांसदी नहीं मिला, विधायकी का मिलता समझ में आता। आप बदल सकते हैं विधायकी से भी अपने क्षेत्र को, एमएलसी पर डन करके आए हैं। एमएलसी से भी आता है फंडिंग, उससे भी बदला पर कितना, वैसे तो मुखिया से भी बदला जा सकता है। देखिए अब साफ साफ बात करते हैं, ठीक ना, बहुत ये हो गया, बिहार बदलना, भारत बदलना, चिलना बदलना, फलना बदलना, ये सब चीज़ अलग होती है। ये जो स्टेप है मनीष कश्यप का, इससे जो आम लोगों में मनीष कश्यप की जो लोकप्रियता थी, जिसके लिए मनीष कश्यप जाने जाते थे, मनीष कश्यप के जिस के लिए जो है जो धूप में लोग खड़े हो जाते थे, उनके लिए जो है चिल्लाते थे, उनके पीछे सैकड़ों किलोमीटर गाड़ी दौड़ाते थे, उन लोगों के जहन में क्या चल रहा है? लोग तो अब भी आएंगे इनके लिए, अब अंतर ये रह जाएगा कि पहले लोग ऐसे ही आ जाते थे, अब गाड़ी में ही पेट्रोल डलाएंगे तब लोग आएंगे। हाँ, मैंने कुमार अभिनव को भी अब जो है देना पड़ेगा, तभी आएंगे, इसे नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? हम आते थे किसके लिए, जो बदलने की बात कर रहा हूँ। अब हम जाएंगे कि हाँ भाई फलाना आदमी है तो उसका ये फायदा है, तो मेरा ये फायदा, हम तब जाएंगे। तो अच्छा, जनता जो है अब मनीष कश्यप को उसी तरह से प्यार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? पहला तो प्यार उसी समय कम हो गया जब ये भाजपा का गुणगान करने लगे, फिर प्यार कम हुआ जब इन्होंने आरजेडी का गुणगान करना शुरू कर दिया, अब फिर प्यार कम हो गया जब ये भाजपा क्लियर ज्वाइन कर लिए, वो भी एमएलसी के लिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि कुछ दिन पहले मनीष कश्यप पप्पू यादव को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो किए थे, शायद आपने देखा भी होगा। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि आपने अपने लोगों से बात नहीं किया और सीधे जाके जो है पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में, अपने साथ वाले लोगों के साथ भी आपने धोखा किया, इस तरह की बातें उस समय चर्चा में आई थी। मनीष कश्यप बोले थे ये बात? मनीष कश्यप ने भी वीडियो बनाया था। अब ये बातें एग्जैक्टली उनका वर्ड टू वर्ड क्या था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में ये चर्चा थी कि पप्पू यादव ने गलत किया। अब मनीष कश्यप भी ठीक उसी तरह से, लेकिन पप्पू यादव सानी व्यक्ति है, वो बोला हमें पूर्णिया से, और मनीष कश्यप सानी नहीं है, पहले समझिए बात को, वो बोले पूर्णिया से हमको टिकट चाहिए, पूर्णिया से टिकट नहीं मिला तो उनको भेजा जा रहा था कि आप मधेपुरा चले जाइए। पप्पू यादव बोले हम काम पूर्णिया में किए हैं तो चुनाव पूर्णिया में ही लड़ेंगे, और वो पूर्णिया में चुनाव लड़े, भले कांग्रेस से ज्वाइन होने के बाद देश का पहला नेता होगा, पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, कोई ऐसा नेता है? नहीं है। और जीत भी रहा है, ये भी बात है। और आप अच्छी तरह से ये बात चाहते भी हैं कि वो जीत जाए, भाई जीत जाए चाहते भी हैं, लेकिन मनीष कश्यप का वो शान कहाँ है, आप खुद सोचिए कहाँ है शान। आपने अपने वीडियो में कहा कि मनीष कश्यप का पॉलिटिकल दी इंट, हमें लग रहा है ऐसा। अब दोबारा खड़ा होंगे तो लोग किस बात पे भरोसा करके इनका सपोर्ट करेंगे? एमएलसी है ठीक है, वहां पे कोई दूसरा आदमी वोट करता है, कुर्सी पर बैठा व्यक्ति वोट करता है, हम लोग वोट नहीं करते। तो बहुत लोग एमएलसी घूम ही रहा है, देख ही रहा है। तो फाइनली जो है हम लोग कहा जा सकता है कि स्पीचलेस हो गए हैं, कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं दे, एक तरफ जो है कहा जाता है कि एक तरफ सांप एक तरफ सुंदर वाला हाल हो गया, कि निजी तौर पे तो मनीष कश्यप से हम लोगों की है संबंध उस तरह का है कि कभी जीवन भर रहेगा वो तो रहेगा ही, वो चाहे जो भी हो जाए, लेकिन ये स्टेप कहीं ना कहीं, अगर इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का मान लीजिए द एंड किया, अपने स्वार्थ से किया हो, या इनको भाजपा पार्टी ही पसंद है उसमें ये कुछ भी बना दे तो ये खुश है,
हम अब किसी की वजह से अपने पत्रकारिता करियर का द एंड तो नहीं करेंगे ना भाई। हमें लोग जानते हैं सच बोलने के लिए, फैक्ट बोलने के लिए, सवाल पूछने के लिए, तो हम उसको क्यों खत्म करेंगे? सही बात, जिसको जो करना है करें, हम अपने इस करियर का एंड नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि कोई भी लड़ाई, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो या कोई भी आंदोलन कह लीजिए या कोई भी एक जो है मूवमेंट जो होता है, वो किसी एक से शुरू नहीं होता है और किसी एक की वजह से खत्म नहीं होता है। तो जो काम किया जा रहा था पहले, भले उसमें शीर्ष पे मनीष कश्यप थे और मनीष कश्यप उस काम का बीड़ा उठा के चल रहे थे, लोग सपोर्ट में थे, लेकिन वो काम, यकीन मानिए कि आज जब मनीष कश्यप यहाँ से हट गए हैं, फिर भी वो काम बंद नहीं होगा। और वो काम कभी कुमार अभिनव करेगा, कभी राकेश तिवारी करेगा, कभी रवि भट्ट करेगा, कभी विशाल राय करेगा, कभी प्रिंस करेगा, कभी आर्यन करेगा, कभी तमाम वो लोग हैं, चाहे वो निभा से लेके तमाम वो लोगों का नाम ले लीजिए, वो सारे लोग करेंगे। क्या लगता है आपको? करेंगे भाई, हर किसी को नेता, किसी को, हम में से किसी को नेता नहीं बनना है। मनीष कश्यप का पहले से श्योर था कि नेता बनना है, तो ठीक है, इनका क्लियर था, लेकिन हम में से किसी को नेता नहीं बनना है। हमें इसी कैरियर को आगे लेके जाना है और लोगों के लिए सच में करना है काम। चलिए, बाकी चीजें स्पष्ट है। पीछे वाले जो हम लोगों के मित्र कहिए, मित्र कहिए, बड़े भाई कहिए, जो भी कहिए, ये जो तस्वीर है वो बहुत कुछ क्लियर कर दे रहा है और बहुत सारी चीजों को जो फ्यूचर में होने वाला है उसे चीख चीख के बता रहा है कि क्या होने वाला है। बाकी हम लोग बस इसलिए ये वीडियो को कर रहे हैं, हंसी में कहिए, मजाक में कहिए, सीरियस में कहिए, क्योंकि हम लोग खुद कंफ्यूज है कि क्या कुछ करना है। लेकिन एक बात हम लोगों के जहन में एकदम 1000% क्लियर है, वो ये कि जिस तरह से बिहार के लिए हम लोग काम कर रहे थे, उस तरह से काम आगे भी जारी रहेगा। बाकी सब कुछ आपके हाथ में है, जिसको आप चाहिएगा उसे हीरो बना दीजिएगा, जिसे आप चाहिएगा उसे जीरो बना दीजिएगा। तो सब कुछ आपके हाथ में, वीडियो को देख के आपके जहन में क्या कुछ चला है वो कमेंट में लिखेगा। बाकी बहुत धन्यवाद, जय हिंद।